नहीं खिचलता। नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा। वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। सो आज हम जाने वाले हैं स्टेडियम, आज इवेंट हो रहा है और हम वहाँ पे वीडियो शूट करने वाले हैं। हमारे साथ हैं विजय जो कि यहाँ पे लाइट पकड़े हुए हैं। तो ये रहा विजय भाई और हम लोग पास चुके हैं स्टेडियम में। तो भाई लोग मिल चुके हैं यहाँ पे, फटाफट चलते हैं स्टेडियम में और वहाँ पे दिखाएंगे आपको स्टेडियम में चलने के बाद। देख सकते हैं आज आए हुए हैं कीर्ति साथिया जी और जो कि बॉलीवुड के सिंगर हैं, दिखाने वाले हैं इवेंट शो जो होने वाला है और वो आज हो रहा है 24 मई को। तो है गाइस, हम लोग आ चुके हैं स्टेडियम में और हमारे साथ है अहमद भाई और ये देवेंद्र है, एंजॉय करने वाले हैं गाइस, एंजॉय करेंगे। और हमारे यहाँ बैठन में आए हुए हैं कीर्ति साथिया जो कि सिंगर हैं बॉलीवुड के, तो आज वो आए हुए हैं। तो उनका हम लोग प्रोग्राम जो इवेंट होने वाला था 24 मई को आ गए हैं। ये पीछे का बैकग्राउंड है, ये कौन लड़का है, कहाँ से आ गया, इसको भगाया जाए। तो इनको भगाया जाए, गंदा तो गा रहा, क्या बोला तूने? क्रेज है गाइस, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत पब्लिक है। ये हो रहा है इवेंट जो कि आप देख सकते हैं। वाओ व्हाट अ नाइस सॉन्ग, बहुत सारा एंजॉयमेंट। अरे यही वो अहमद मलिक है, मुझे मुझे तो ये देवेंद्र, देवेंद्र को आप देख सकते हैं किस तरीके से बोल रहे हैं। देवेंद्र साथ दोस्त है, कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए भाई। अच्छा मतलब आपको पसंद नहीं आया? पसंद लग रहा था दूसरा थोड़ा सा। नहीं नहीं तो क्या हमारे पास जो चलिए, मैं अभी मैं माइक का इंतजाम किया हूँ, मैं यही से आवाज दूंगा कि आप जहाँ से आए हो क्या हुआ है हमारी तरह, क्या बोल रहा है ये बोल रहे सिंगरौली की जनता आपसे बहुत परेशान है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाने इनको अच्छे नहीं लग रहे हैं एकदम? नहीं, क्या मैं बताया जाए, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, इनके अपमान हो जाएंगे इनका। ये एक अच्छे सिंगर है मगर आज में सच में अच्छे नहीं गा रहे हैं, आज अच्छे नहीं गा रहे इनका ऑडियंस पसंद आ रहा है लेकिन इतने नहीं पसंद आया।